नमस्कार दोस्तों, हमारे स्मार्ट नॉलेज गुरु में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है, तो आइए जानते हैं वो तरीके जिससे हम ध्यान को कर सकते हैं। श्वास की गति, मतलब जब आप ध्यान करें तो श्वास की गति पर ध्यान रखें। अपना ध्यान श्वास की गति पर केंद्रित करें तो आप ध्यान का अनुभव कर सकते हैं। और एक बात और, जब आप हम लोग ध्यान करते हैं तो मन शांत नहीं होता है, उस समय मन इधर उधर भागने की कोशिश करता है, तो मन पर भी ध्यान रखें और मन को ही भावों के मध्य केंद्रित करें और दोनों भावों के मध्य ध्यान का लक्ष्य साध लें। होश पूर्वक ध्यान करें। योग में श्वास की गति को आवश्यक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। इसी से हम भीतरी और बाहरी दुनिया से जुड़े हैं। श्वास की गति 3 तरीके से बदलती है: मनोभाव से, वातावरण से, शारीरिक हलचल से। इसमें मन और मस्तिष्क के द्वारा श्वास की गति ज्यादा संचालित होती है। अगर आपका मन इधर उधर भागा तो आप ध्यान से भटक जाएंगे और कभी भी ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते। अब जानते हैं श्वास के बारे में। श्वास की गति से ही हमारी आयु घटती और बढ़ती है। श्वास को नियंत्रित करने से सभी को नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा से पुराण में वर्णित है। जिसने अपने श्वास को अपने अधीन कर लिया तो समझ लो उसने पूरे विश्व को अपने वश में कर लिया। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जिस तरीका से इस पृथ्वी में 5 तत्व व्याप्त हैं, उसी प्रकार वही 5 तत्व हमारे शरीर में व्याप्त हैं। इस शरीर में और पृथ्वी में कोई अंतर नहीं है। जब आप अपने श्वास को रोकेंगे तो संपूर्ण संसार की सांस स्वयं ही रुक जाएगी। आपको बहुत अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच है। लेकिन रुकेगी जब ही जब आप उस अवस्था पर पहुंच जाएंगे। जब ध्रुव ने तपस्या की थी तो उसने भी सबकी सांस को रोक लिया था, क्योंकि जो मनुष्य अपने सांस को अपने अधीन कर लेता है वो चाहे तो किसी की भी सांस रोक सकता है, क्योंकि इस शरीर और पृथ्वी में कोई अंतर नहीं है। आपको ये बहुत ही अटपटा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। जब हम लोग एक घड़ी सांस रोक लेते हैं तो हमारे अंदर वो क्षमता आ जाती है कि हम किसी की भी सांस को रोक सकते हैं, क्योंकि इस 5 तत्व शरीर में और बाहरी 5 तत्व में कोई अंतर नहीं है। इन्हीं तत्वों से हमारा ये शरीर निर्माण हुआ है और इन्हीं में मिल जाना है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज जानते हैं मानसिक हलचल के बारे में। ध्यान करने या ध्यान में होने के लिए मन और मस्तिष्क की गति को समझना जरूरी है। गति से तात्पर्य है कि क्यों हम ख्यालों में खो जाते हैं, क्यों विचारों को ही सोचते रहते हैं, या कि विचार करते रहते हैं, या कि धुन कल्पना आदि में खो जाते हैं। इन सबको रोकने के लिए कुछ उपाय हैं। पहला, आंखें बंद कर पुतलियों को स्थिर रखें। दूसरा, जीभ को जरा भी ना हिलाएं और एकदम सीधे बैठें, पीठ को बिल्कुल सीधा रखें। जब भी किसी भी प्रकार का विचार आए तो तुरंत ही सोचना बंद कर सजग हो जाएं, तभी आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा